सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो लास्ट पार्ट में हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था एंड वी हैव डन द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट ए में क्या था कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या रिएक्शंस होती हैं, वो हमने ऑलरेडी कर लिया था। और इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डू द पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी क्या है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, टाइप बी इज क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड टूटेगा उस टाइम कौन सी रिएक्शंस होंगी, और अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इट विल बी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। जब ये बॉन्ड टूटता है तो उस टाइम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो रिएक्शन करने वाली हूँ दैट इज रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। मेरी फर्स्ट रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। जब आप ROH को HX के साथ ट्रीट करोगे, दैट इज अल्कोहल को आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे, तो बेसिकली दिस OH पार्ट विल कम आउटसाइड और उसके जगह पे X जाके लग जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। X नेगेटिव बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और OH बाहर आएगा, तो इट विल बी RX प्लस H2O, ठीक है। एंड इसको मोर कॉमनली जब मैं HCl के साथ करती हूँ तो इसका नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। नो आई एम डिस्कसिंग अबाउट ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स मेथड। जब आप अल्कोहल को HCl के साथ ट्रीट करोगे, ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में तो यहाँ से OH, यहाँ से H विल कम आउटसाइड एंड व्हाट यू विल गेट, क्लोरोएल्केन प्लस वाटर, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन के एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले मैं देख लेती हूँ कि इस एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या रोल है। तो कुछ रोल नहीं, दिस इज अ लुईस बेस, ये एक्ट करता है, सॉरी लुईस एसिड, ये एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एसिडिक, जितनी भी नहीं बोलूंगी बट जनरली रिएक्शंस अल्कोहल एसिडिक मीडियम में करवाता है। तो ZnCl2 क्या करेगा, बीइंग लुईस एसिड ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करेगा। अल्कोहल है, लोन पेयर है, तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। ZnCl2 एनहाइड्रस मीडियम में ये लुईस एसिड है बिकॉज इट इज हैविंग द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब भी अल्कोहल इसे अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यू विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन, है ना। तो जिसकी वजह से इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, जो क्लीवेज है, बॉन्ड टूटना वो इजी हो जाएगा। सो दिस इज द रोल ऑफ ZnCl2 कि ये बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकंड रोल क्या है इसका कि वाटर, वाटर लीव हो रहा है ना, तो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे जैसे आपके सिस्टम से वाटर बाहर आता जाएगा, जैसे जैसे सिस्टम से वाटर बाहर आता जाएगा, बीइंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये उसे अब्सॉर्ब करता जाएगा, ठीक है, और आपकी रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड मैनर में मूव करती जाएगी। तो इसके टू वो हैं रोल्स। वन इज इट इज अ लुईस एसिड, इट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। सेकेंड इज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो जो साइड प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसके रिमूवल में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो नाउ आई एम हैविंग सम एग्जांपल्स, हमें डिस्कस करना है कि उनमें से कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन स्लो एंड देन कैसे। लाइक आई एम हैविंग CH3CH2OH प्लस HCl विद ZnCl2 एनहाइड्रस, देन आई एम हैविंग CH3CHOH with HCl and hydrous ZnCl2, then I am having CH3
CCH3 OH plus HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. प्रोडक्ट तो हम सबको ही पता है क्या बनेगा. इस केस में क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड. इस केस में क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. दोनों सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है. OH के जगह पे Cl आएगा एंड प्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा उसे, है ना. और इस केस में टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड. मेरे को कंपेयर करना है इनका ऑर्डर रेट. अगर आप ये बात कर रहे हो तो आई हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर क्या रहेगा अल्कोहल से? तो अगर आप देखो, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो जो HCl होता है वो टर्शियरी अल्कोहल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. ये उसका ऑर्डर रहता है, ठीक है. सबसे फास्ट रिएक्शन वो करता है टर्शियरी अल्कोहल के साथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनते हैं. इसके मैकेनिज्म में अभी जा रहे हैं, ठीक है. देन ऑर्डर रहता है सेकेंडरी का एंड देन इज प्राइमरी. तो ये जो मिक्सचर है ना, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों का मिक्सचर एज अ लुकास रिएजेंट यूज किया जाता है. व्हाट इज दिस लुकास रिएजेंट? एज अ टेस्ट के तरीके से दिस लुकास रिएजेंट विल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. लेट अस से हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, जिनमें एक में प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरे में सेकेंडरी है, तीसरे में टर्शियरी है. वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन से टाइप के अल्कोहल प्रेजेंट है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल एड मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 दैट इज लुकास रिएजेंट इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब. तो अगर तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है रिएक्शन, तो इट विल बी टर्शियरी अल्कोहल. अगर रिएक्शन आफ्टर सम टाइम होती है, इट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल. और रिएक्शन अगर हीटिंग करने पे होती है तो इट विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल. तो आपको कैसे पता लगेगा टेस्ट की तरह क्यों यूज होता है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो इस रिएक्शन के होने पे सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाती है. तो क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल्स बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली. तो टर्बिडिटी एक ही साथ आ जाएगी, साथ ही के साथ जैसे ही आप डालोगे. सेकेंडरी अल्कोहल्स थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करते हैं, तो टर्बिडिटी विल अपीयर आफ्टर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट के बाद आएगी, ठीक है. और क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर बहुत ही स्लो रिएक्शन कर जाते हैं, तो टर्बिडिटी अपीयर होती नहीं. ये रिएक्शन ओनली तब होगी जब आप इसे हीट करोगे हल्का सा. तो टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली आफ्टर हीटिंग. सिर्फ हीट करने के बाद टर्बिडिटी आती है, अदरवाइज ये टर्बिडिटी अपीयर होगी. तो इन दिस वे ये जो रिएक्शन है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर, दैट इज ग्रूव्स प्रोसेस, ये यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. और इसको बोला जाता है लुकास टेस्ट, ठीक है. और फर्दर अगर मेरे को HBr के साथ रिएक्शन करवानी है, अच्छा अगर मेरे को रेट देना हो, पहले इनका देख ही लेते हैं. ये मैंने अल्कोहल्स का रेट लिया, रेट ऑफ रिएक्शन. अल्कोहल के क्या रहेगा रेट ऑफ ऑर्डर? ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन विद डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स, लाइक आई एम हैविंग HI, HBr, HCl, HF. चलो HF के साथ तो रिएक्शन क्या ही करवानी, इन तीनों में से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर है. क्यों? क्योंकि I नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये साथ ही के साथ लीव कर जाएगा, तो रिएक्शन बहुत फास्टली हो जाएगी. एक अच्छा लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, आपके SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एनहांस करता है ना. अगर आपने SN1 SN2 नहीं देखी है तो यू कैन रेफर टू आर ओल्ड ओल्ड वीडियोस, वहां पे हमने SN1 SN2 किया था ना बहुत डिटेल में क्या होता है.
तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप इस रिएक्शन को फास्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, चाहे वो SN1 मैकेनिज्म से हो रही हो, चाहे वो SN2 मैकेनिज्म से। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी HI के साथ, सेकेंडरी रिएक्शन होती है HBr, देन HCl एंड देन HF। तो अगर आप ये रिएक्शन HI के साथ करवा रहे हो, CH3 CH2 OH प्लस HI, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3 CH2 I प्लस H2O। और ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है, इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको ये रिएक्शन HBr के साथ करवानी है, CH3 CH2 OH प्लस HBr, तो वी विल टेक अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू डू दिस रिएक्शन, तो इट विल बी CH3 CH2 Br प्लस H2O। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म। तो आप सबको ही पता है कि क्या होगा, जो मिथाइल होते हैं प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं टर्शियरी। मिथाइल और प्राइमरी तो जनरली फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म, बायमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स जो होंगे वो प्रेफर करेंगे SN1 मैकेनिज्म, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 SN2 हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में किया था कि क्या होता है। अब ये जो SN2 होता है बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई मिथाइल 0 और 1 डिग्री में हम ये प्रेफर करते हैं। और जो SN1 होता है ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर, जितना ही आपका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, जितना आपका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन फास्ट, तो टर्शियरी में ज्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर। अब दोनों का मैकेनिज्म करते हैं। लेट अस से वी आर हैविंग प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये HX लेगा, अल्कोहल की होगी प्रोटोनेशन। अगर अल्कोहल की प्रोटोनेशन हुई तो इट विल बी RCH2OH2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये लीव करने लगेगा वाटर की फॉर्म में OH2 पॉजिटिव, साथ ही के साथ नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर देगा। दोनों एक ही स्टेप में होंगे, बायमोलिकुलर है तो रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, and you will get but RCH2X plus water with the inversion of configuration. पर SN1 में क्या होगा? Let us take the example of SN1 mechanism. इसमें हम ये ले लेते हैं tertiary alcohol, RCROH. First step तो same ही है, जब भी alcohol की reaction करवानी है first step is the protonation. तो पहले step में क्या होगी इसकी? Protonation. और ये बन के आएगा OH2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में साइमल्टेनियस अटैक नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाटर विल लीव, ये वाटर आपका सिस्टम से बाहर जाएगा एंड यू विल गेट अ कार्बोकैटायन। आपके पास क्या बनेगा? एक कार्बोकैटायन। और नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा? X नेगेटिव, तो क्या बनेगा? RCRRX। तो इस तरीके से बनता है। अब जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने तो रीअरेंजमेंट के चांसेस तो उसमें हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। क्या मतलब है मेरा इस बात से? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया CH3 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 OH, इसमें डाला HCl विद एनहाइड्रस ZnCl, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3 C CH3 CH3, सिंपल OH बाहर Cl अंदर, है ना? बहुत इजी था, टर्शियल अल्कोहल था।
लेट अस से नाउ आई एम टेकिंग दिस वन CH3 CH CH3 CHOH CH3 और इसमें डाला HBr. तो व्हाट यू आर थिंकिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH CH3. यहाँ पे CH, इस OH की जगह पे आया Br, CH3 एंड वाटर विल लीव आउटसाइड, है ना? नो, पर ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, बल्कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला CH3 CH3 Br CH2 CH2. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. तो कैसे बना ये प्रोडक्ट, कैसे होगी ये रिएक्शन, ये हमें पता लगेगा इसके मैकेनिज्म से. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म. अगर आप ध्यान से देखो ये कैसे अल्कोहल है, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SL1 मैकेनिज्म. तो लेट अस स्टार्ट इट्स मैकेनिज्म. ये था मेरे पास CH3 CH CH3 C OH CH2. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप इसकी होगी प्रोटोनेशन. ये लेगा प्रोटोन, तो व्हाट यू विल गेट, दिस सिस्टम. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वाटर विल लीव और आपके पास क्या आएगा, ये वाला सिस्टम. अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है. और कार्बोकैटायन में यू कैन डू 1-2 शिफ्ट, आप 1-2 शिफ्ट कर सकते होते हो. लाइक दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. तो कार्बन नंबर 2 से या तो आप मिथाइल उठा के ले जाओ या फिर ये हाइड्राइड उठा के ले जाओ. अगर तो आप हाइड्राइड उठा के लेके जाओगे, यू विल डू 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो आपके पास बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन. और अगर आप 1-2 मिथाइल शिफ्ट करवाते हो, मिथाइल ग्रुप उठा के लेके जाते हो, तो यू विल गेट अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन. एज वी नो टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप शिफ्ट ना होके हाइड्राइड शिफ्ट होगा. तो मैं करवा देती हूँ यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्ट. अगर हाइड्राइड शिफ्ट किया, आई एम राइटिंग हियर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH3 पॉजिटिव. अगर यहाँ से H नेगेटिव चला गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया ना. नेक्स्ट स्टेप में आपका जो Br नेगेटिव है सिस्टम पे कर देगा अटैक, एंड दिस यू विल गेट दिस एज योर मेजर प्रोडक्ट. आपके पास आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा ये, ना कि पिछले वाला. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो ऐसे अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकैटायन आता है, तो उसमें ध्यान रखना, अगर रीअरेंजमेंट होती हुई एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट अगर आपके पास ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाली रिएक्शन करके आओगे. कौन सी वाली, रीअरेंज प्रोडक्ट बना के आओगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन. थैंक यू.